subscribe now and press the bell icon. पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब जो आपको हम बताने वाले हैं तो क्या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि साइन 90° बराबर कोस 90° कोस 90° बराबर साइन थीटा, टैन 90° बराबर कोट थीटा, इस तरह से 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90° हो तो पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए ये 40° है, इसको हमको पूरक कोण बनाने के लिए यानी कि 90° बनाने के लिए हमको उसमें 50 जोड़ना होगा, यानी कि ये 50 क्या हो गया, 40 का पूरक हो गया। समझ आ रहा है, ये 40 का क्या हो गया, पूरक हो गया, यानी कि हमको दो अंकों का योग, मतलब 2° का योग करके हमको 90 पुराना है तो वो पूरक कहलाएगा। जैसे कि 40° का पूरक कोण क्या होगा हमारा, 50 हो गया, क्योंकि 40 और 50 जब हम जोड़ते हैं तो 90 पुरता है हमारा, इसलिए। तो जैसे हम देखेंगे, अब हम लिख लेते हैं a प्लस बी बराबर 90°, यानी कि दो को जोड़ कर हमको 90 पुराना है तो वो पूरक कोण हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए साइन थीटा, ठीक है, साइन का जो पूरक होता है, साइन का जो पूरक होता है वो होता है कॉस, साइन का पूरक होता है कॉस। और जब मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास दिया है साइन 45°, और आपको बोल रहा है इसका पूरक क्या होगा, ठीक है। साइन का पूरक जो कॉस होता है, ठीक है, कॉस का साइन होता है, टेन का कोट होता है, ये पूरक है, ठीक है, ये इसका पूरक है, यानी कि चेंज है। तो इसमें क्या करना है, साइन 45 का पूरक आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले आप जानते हैं कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस, और हमको जब इसका पूरक निकाले हैं तो हमको इसका पूरक निकालना होगा, 45 का पूरक भी हमको निकालना होगा। तो 45 का पूरक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको कैसे करके 90 पुराना है, यानी कि 45 में हम कितना जोड़ेंगे कि ये 90 पुर जाए। तो हम 45 में और 45 जोड़ते हैं तो 90 हमारा पुर जाता है, यानी कि ये हमारा इसका पूरक क्या हो गया, ये हमारा पूरक हो गया। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण को हम दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 35°। अब यहाँ आपको कहा जा रहा है 10 35° का पूरक, तो आप क्या करेंगे, 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कोट, यानी कि हमारा 10 का पूरक होता है कोट। तो हम 35° का पूरक हमको करना होगा, तो 35° का पूरक करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ हमको 55 जोड़ना होगा, यानी कि 35 और 55 जोड़ के कितना पुरता है हमारा, 90, और 90 पूरा मतलब हमारा पूरक कोण बनना होता है। तो यहाँ 10 का पूरक कोट हो गया, और 35 पूरक बनाने के लिए हमको यहाँ पे 55 क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, इसको आपको इस सूत्र के आधार पर आपको हम चलते हैं। तो इसमें देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए 10 10 है तो इसका पूरक क्या होता है, कोट, लेकिन इसका पूरक क्या हो जाएगा, 10 का पूरक हो जाएगा 80। लेकिन यहाँ हमको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ हमको थोड़ा सा दर्शा कर लिखना है, जैसे कि 90 माइनस, ठीक है, यहाँ हमको दर्शा कर लिखना है, जैसे कि 90 माइनस, उसी तरह आपको 10 10 का पूरक करना है। तो 10 का पूरक क्या हो गया, कॉट हो गया, और 10 का 10 का नहीं 10 का पूरक क्या हो जाएगा, 80। 10 80 क्या हो गया, 90 हमारा पूरक बन गया। अब हम आपको आगे बताएंगे, वो होगा ये कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10 15, तो इसको आपको चेंज करना है पूरक कोण में, तो कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 90 माइनस, ठीक है, यहाँ आपको उतना कितना घटाएं, आपको वहां पे कितना घटाना है कि ये इतना पुर जाए। तो यहाँ पे अगर आप 75 घटाते हैं तो हमारा क्या होगा, 15 पुर जाएगा, तो समझे। तो यहाँ पे अगर हम 75 घटाते हैं तो कितना पुर जाएगा हमारा, 10 15 पुर जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले इसको ऐसे करना होगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 10 को पूरक में चेंज कीजिएगा, कॉट हो जाएगा, और ये 75 जो है आपको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि इतना बराबर इतना, यानी कि ये हो जाएगा कॉट 75, ये इसका क्या हो गया, पूरक हो गया। दूसरी तरह एक और आपको हम बताते हैं,
जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन, ठीक है, साइन दे दिया है 5, ठीक है, साइन 5 डिग्री, इसको पूरा में चेंज करना है तो कैसे कीजिएगा, इसमें वो क्या करना है, साइन को साइन लिखना है, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कॉस 85 नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे लिखना होगा साइन 90 माइनस, कितना घटाएंगे वहाँ पे आप, वहाँ पे आप कितना घटाएंगे कि आपका वहाँ पे 5 पूर जाए घटाने पे, यहाँ आप कितना करेंगे जो कि घटाने पर 5 पूर जाए, तो कितना घटाएंगे आप यहाँ पे 85, यानी कि साइन 90 माइनस 85, यहाँ पे 90 85 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 5 डिग्री हमारा क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब क्या कीजिएगा, इसको आप साइन को इसको चेंज कीजिएगा, साइन को चेंज क्या होता है, कॉस, और ये 85 जो है आपने यहाँ लिखा है वो आप यहाँ लिखिएगा, तो इस तरह से आप यहाँ पे ये लिखिएगा, आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि साइन का कॉस और 5 यहाँ पे है, जहाँ 85 देंगे तो ये 90 डिग्री पूर जाएगा, ये पूरा कोण बन जाएगा, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको फिर इसको ऐसे करके फिर यहाँ पर आपको ऐसे इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है। जिससे आपको यहाँ पे शॉर्टकट हम बताए थे 10 35 डिग्री, तो यहाँ क्या हो गया कोट 55, तो उसको आप डायरेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे ये ऐसे करना है 90 माइनस उतना घटाना है जितना कितना पूर जाए यहाँ पे, तो 85 हमने घटाया तो यहाँ पे 85 घटाने पर क्या हो जाएगा हमारा, 90 85 घटाएंगे तो 5 डिग्री पूर जाएगा, इसी काम हमने ऐसे किए। उसके बाद फिर इसको चेंज कर देना है, और ये जो आपने लिखा है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, तो इतना बराबर इसका चेंज क्या हो गया, यानी कि इसका पूरा क्या हो गया, कोट 85 हो गया। इसके अनुसार आपको हम एक सवाल बताएंगे, ठीक है, इसके अनुसार आपको हम एक सवाल बता रहे हैं, जैसे कि कोई भी सवाल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है साइन 18 और बटे कॉस 72, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपको साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको इसके अनुसार कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप दोनों को आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को, जब इस तरह सवाल आपका हो तो दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। जैसे कि आप किसको चेंज करेंगे, आप चाहे तो ऊपर को चेंज कर सकते हैं या तो आप नीचे को चेंज कर सकते हैं, तो हम मान लीजिए हम ऊपर को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें चेंज कैसे कीजिएगा, आप यहाँ पे कीजिएगा साइन, सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको चेंज करना है कैसे कीजिएगा, साइन 90 माइनस कितना घटाएं कि यहाँ पे 18 पूर जाए, यहाँ पे कितना घटा दे कि 18 पूर जाए, तो मान लीजिए यहाँ पे हम 72 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 पूर जाएगा, यानी कि साइन 18 हमारा पूर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो गया, इस तरह से आपको दर्शाना है। अब आपको क्या करना है, अब इसको चेंज करना है, इसको आपने इस तरह तोड़ा, आपने पहले आपने इसको तोड़ा, उसके बाद इसको चेंज करना है, साइन का क्या होगा चेंज कॉस, और ये 72 जो है आपको यहाँ पे लिखा जाएगा, और बटे कॉस 72, कॉस 72, कॉस 72 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इस तरह से आपको चेंज करना होगा सवाल में, इस टाइप के अभी आपको सवाल हम बताएंगे, तो इस टाइप से आप सिद्ध कीजिएगा। इसे एक और उदाहरण आपको हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण आपका है, जैसे कोसेक 15 है, 15 डिग्री है, और मान लीजिए यहाँ पे क्या है सेक 75 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोसेक 15 डिग्री बटे सेक 75 डिग्री है, ठीक है, आपको इस तरह चेंज कैसे करना है, इसको आपको कैसे बनाना है, इस सवाल को आपको, ये आपका एक सवाल हुआ, ये आपका क्या हुआ, एक सवाल आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, इस टाइम कैसे तोड़ना है, तो आपको क्या करना है, पहले कोसेक, ठीक है, ये कोसेक 90 माइनस कितना घटाएंगे 15 पूर जाएगा, तो यहाँ आप 75 घटाएंगे तो आपका 15 पूर जाएगा, यानी कि कोसेक 15 हो गया, ये पूरी आपका ये चीज तोड़े हैं इसको हम, और सेक 75, ठीक है, अब इसको चेंज करना है, कोसेक का क्या हो गया सेक, और ये 75 क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा सेक 75, सेक 75 सेक 75 क्या हो गया कट गया। तो इस टाइप से आपको इस तरह के सवाल में जहाँ पे इस तरह दिया हो तो आपको किसी को चेंज करना हो तो आप इस टाइप से आप चेंज कीजिएगा, ठीक है, इस टाइप से आप चेंज कीजिएगा, इस टाइप से आपको सवाल बताए जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपको हम बता रहे हैं, हो गया बसंत।
इस तरह से ये इस तरह आपको आंसर लाना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो आप यहाँ यहाँ पे लिखे हुए हैं साइन टेन एमएमएस थीटा और कोस थीटा, इसको आपको याद कर लेना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, यानी पूरक क्या होता है, तो कोस थीटा, कोस का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा, टेन का क्या होता है, कॉट, कॉट का क्या होता है टेन, और सेक का क्या होता है कोसेक, और कोसेक का क्या होता है सेक। तो इस तरह से आप इसको चेंज कीजिएगा, चेंज करने मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आपको याद कर लेना है। तो ठीक है, आज मैंने 8.2 के 8.2 का जो सवाल यूज होने वाला था सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। आज से 8.2 का मिति का सारे फॉर्मूले खत्म हुए, कल से हम आपको 8.2 का सवाल आपको बताने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, धन्यवाद।